हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गैस स्टेशन सिमुलेटर। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने अपने गैस स्टेशन की फर्स्ट वीडियो अपनी अपलोड कर दी है, और जिन्होंने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हो। और आज जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर अपने गैस स्टेशन के अंदर अपना गैस स्टेशन चालू कर लिया था, और उसकी हमने सफाई वफाई कर दी थी बिल्कुल। और आज हम जाके देखेंगे कि आज हमको और क्या टास्क कम्प्लीट करने हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं, गेम खेलते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करिए, जल्दी से अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, हमने अपनी गैस स्टेशन सिमुलेटर ओपन कर आज सुबह अभी हम पलंग से सो के उठे हैं और अभी जाके नीचे देखते हैं कि क्या चल रहा है। अब भाई अभी क्या हो रहा है, सूरज उग रहा है, अभी देख रहे हो हम 5 बजे उठ जाते हैं, बड़े खतरनाक है। तो चलो अब जल्दी से देखते हैं, अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। एक क्यूब द जर्सी कैन टैब रिफिल इट द रिफ्यूल रबी। अब हम अपने गेम में पहुंच गया, वो गलती से मैंने दूसरा मैप लगा लिया था। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि हमने पूरा कूड़ा कबाड़ा फेंक ही दिया था, पर वो कूड़े काड़ी वाला बड़ा बदतमीज इंसान था, हमारा सामान नहीं उठा के ले गया। उसकी अब हम पगार काटेंगे, पगार के वैसे भी फ्री में ही आता है कूड़े की गाड़ी वाला। थोड़ा बहुत अभी भी कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, इसे भी उठा लेते हैं, इसको भी फेंक देते हैं। और मैं जल्दी से स्किप कर लेता हूँ पूरा का पूरा पार्ट, और पूरी क्लीन कर लेता हूँ वापस, जैसे पहले भी करा था। फिर बंदे बंदे आए थे, उन्होंने गंदा हो चुका, तो मैं जल्दी से क्लीन करके एकदम आपको साफ करके मिलता हूँ। तो मैं जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि मैंने अपना पूरा गैस स्टेशन एकदम साफ सुथरा कर दिया है, एकदम अपना गैस स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। और एक कस्टमर भी आया, पहले इनको पेट्रोल दे देते हैं। हाँ जी, बता कितने किलो पेट्रोल चाहिए। थैंक यू। आई थिंक अपने पेट्रोल की कूड़े वाला और पेट्रोल की सप्लाई दोनों ही आ गए। अभी भी ऑर्डर कर रहे, क्योंकि पेट्रोल भी गैस स्टेशन में ख़त्म होने वाला है, उसका भी ध्यान हम ही को रखना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे पास पेट्रोल नहीं आएगा। जल्दी आओ भाई, पेट्रोल वाले भाई इधर गया। और मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक बच्चा आया हमारे पूरे गैस स्टेशन के ऊपर ड्राइंग बना के भाग गया वो, और अब हमको अपने गैस स्टेशन में पेंट करना पड़ेगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक बच्चा पता नहीं कहाँ से आया हमारे पूरे का पूरा गैस स्टेशन के ऊपर पेंट करके भाग गया। देखो ये, देखो दूध की सफर, यहाँ पर देखो तारा बना के भाग गया। ऐसे भी गैस स्टेशन में मेरे को पेंट करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही खराब पेंट हो रखा है यहाँ पे। रुक जाओ भाई, बिल्कुल ही ख़राब पेंट हो रहा है, जैसे कि बिल्कुल पुराने पुराने से लग रहा है। एकदम अपने गैस स्टेशन पे कलर करके एकदम उसको नया बना देंगे। तो जल्दी से जा भाई, कूड़े वाले को कूड़ा उठा दे। कूड़े वाले को भी बुलाया था मैंने, कूड़ा उठा के जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा हो रहा है। मक्खियाँ मक्खियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उठा भी लिया, बड़ा तेज है भाई कूड़े वाला। तो चलो सही, उठा के चला गया, अपना काम सबने कर लिया है। तो अब देखते हैं, और अब हमको कह रहा है खरीदना पड़ेगा बाय आ रोलर। अब हमको एक रोलर खरीदना पड़ेगा, हम तभी अपने गैस स्टेशन पे कलर कर पाएंगे। अब जल्दी से एक रोलर खरीद लेते हैं, ताकि हम जल्दी से अपने गैस स्टेशन के ऊपर कलर कर पाएंगे। रोलर मिलेगा टूल्स पे। ओके, टूल्स पे चलते हैं, आ गए हैं, फ्री है, चलो ले लेते हैं। रोलर ले लिया हमने, टैप टू अ क्यूब, टैप पे गए, अच्छा आ गया हमारा रोलर। ओके भाई, आई थिंक कस्टमर आया, रुक जाओ बाद में पेंट करेंगे, पहले कस्टमर को सामान दे देते हैं ताकि जल्दी से जाए वो। बताओ जी कितना पेट्रोल चाहिए। ओके थैंक यू, कूल। हमको गाइस के पर अपने बिजनेस के हिसाब थम्सअप कमाना पड़ेगा, जब तभी ये लोग हमारे जितने भी आ रहे हैं तभी हमारा गैस स्टेशन फेमस होगा। अभी हमारा गैस स्टेशन 1 रुपए का भी फेमस नहीं है, हमको इसको फेमस करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं। लोग मान दो पेट्रोल लेके जाते रहेंगे, हम अपने गैस स्टेशन पर काम चालू करते हैं। चलो यहाँ पर करते हैं पहले, कैसे? ओके ठीक है, लम लंग लंग।
आपको सुबह मिलता हूँ, जल्दी से पेंट कर दिया वरना भीड़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी से अपने गैस स्टेशन में पूरा पेंट कर लेता हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं करके आता हूँ। सो गाइस आई एम सॉरी, अभी हमारे घर की लाइट चली गई थी और अभी अभी लाइट आई है, इसलिए अब मैं दोबारा से उठाना पड़ रहा है मेरे को। दोबारा मैंने मिट्टी उठा लिया है यहाँ से अपने रूटीन की जरूरत से, और हमको अभी इसको फेंकना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, सैंड डिस्ट्रॉयर। हाँ जगह को खरीद पाएंगे रूडी की वजह से। अब खरीद लिया, अब खरीदना पड़ेगा जाके। वो कहते हैं क्लीन कर लो, क्लीन हमने कर लिया है। आई थिंक यहाँ पे हमारी पार्किंग बनेगी तभी हम सामान रख पाएंगे। तो अब जल्दी से जाके ये वाली पार्किंग को हम खरीद लेते हैं। ये जगह अपनी ही है लेकिन इसको बनवाना पड़ेगा ना ढंग से, इसलिए वो कह रहे हैं आपको खरीदना पड़ेगा। फर्नीचर में कुछ नहीं, फर्नीचर में ऑर्डर ओके, ये फ्री मिल रहा है हमको, फ्री को दूसरा नहीं मिलेगा फ्री में। दूसरी पार्किंग दे दो। अच्छा दूसरी लॉक है, अभी दूसरी पार्किंग नहीं ले सकते हम। आई थिंक अब हमें कुछ और काम है उधर जाके। अब हमारे क्या आंसर दी कॉल फ्रॉम दी अंकल। अच्छा उसी अंकल जी का फोन आ रहा है जो रोज हमारा दिमाग चाटने आ जाते चालू होते ही सुन लेते। अच्छा ये अंकल जी कह रहे थे, इन्होंने हमको कहा है कि तुम बस पेट्रोल का बिजनेस करके तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम्हें और कुछ काम भी करना पड़ेगा पेट्रोल का काम करते हुए भी। तो फिर हमने पेट्रोल स्टेशन ही किया। व्हाट सॉरी, हल्का सा कम दे दिया बस, वाट कर दिया। अच्छा सामान खुद ही भर गया। ओ भाई पेप्सी की बोतलें मैं नहीं पी सकता क्या? ए यार मुझे नहीं, अपन भी खा लेते हैं। खाते देख अंकल चिप्स वगैरह रख लो, बढ़िया बढ़िया फिर रहना। और कुछ काम देखते हैं, सर्वाइव द कस्टमर एट द कार रजिस्टर हिंट एवरी प्रोडक्ट। अच्छा अब लोग आएंगे हमारे पे सामान लेने, क्योंकि अब हमने ये सब भी रख लिया ना चीज़ के सामान, खाने पीने की चीज़ें रख लिया हमने, इसलिए हमसे कह रहे थे पार्किंग लो वरना लोग गाड़ी के इधर खड़े करते। हमने पार्किंग ले लिया तो अभी आई थिंक हमसे सामान खरीदने आ रहे हैं। हेलो आंटी जी, हेलो काली आंटी, शुक्रिया, आ जाओ सामान ले लो। क्या चाहिए? हमारे यहाँ पे कोक लिमका थम्स अप स्प्राइट ट्राई मिल जाती है। चिप्स लेने हैं, ले लो ले लो। कौन सी चिप्स चाहिए? ओहो आई थिंक ये दोनों बहन है, तभी एक दूसरे से चिपक के चल रही। ओके ले लिया सामान, आ जाइए मैं आपको बिल बना देता हूँ भैया जी। ओके कैसे चलाना है ये इंस्ट्रक्शंस देख ले। आंसर दी फोन कॉल, फिर उन अंकल जी का फोन आ रहा है। हे पंक, वेयर्स आवर गॉडडैम मनी? ओ तेरी भुजंड मारूंगा। वो इसने मार दिया हमें। क्या मनी भाई, मैंने कहा लिए तेरे पैसे। मैं तो पैसे भी नहीं लिए किसी के। Wake up, Sam. You've got a gas station to run. ये आवाज पे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। इसका नाम था क्या हाउडी? जो अंकल बन रहा था हमारा। ये है क्या अंकल जो हम तो रोज बात करता बूढ़ा, ये जो जिसका फोन आ रहा है। Hey nephew, तेरे रहते मारूंगा। I hope your head's no longer spinning.
Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery, no strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it. Somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. लैंडमार्क अब ना हमको गैस स्टेशन भी अब अपग्रेड करना पड़ेगा $50 क्या ये खड़ी खड़ी गाड़ियां खड़ी करने के $50 रुपए ले रहे हैं कर दे भाई दो तीन गैस स्टेशन अपग्रेड हो रहा है क्या ये तो पौधे बच्चे लग रही है वो लड़का आ गया जो अगली बारी ड्राइंग बना के भागा था तेरी पकोड़े हंसने की आवाज आई 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 किसी को भागा नहीं वो भाग रहा ए यार अभी पेंट कराया मैंने तेरी पकोड़े मैं अभी पेंट करा मैंने मोटे भाई ये बच्चा पिटेगा देख देख जहरीली बात पिला गया भग गया कुछ नहीं बेटा मेरा भी दिन आएगा देख तेरे घर में घुस जाऊंगा पेट्रोल ही खत्म हो गया भाई गैस स्टेशन का अच्छा अब ये भी अपग्रेड करना पड़ेगा भाई चलो आई थिंक अब हम और ज्यादा पेट्रोल मंगवा पाएंगे देखते हैं अपग्रेडेशन में नहीं किधर था वो पेट्रोल डिलीवरी में आता था अब कितना गया मैं 500 लीटर मंगा पाऊंगा अभी भी तो 200 लीटर ही आ गैस स्टेशन लेवल अप ओके ब्रो अब लेवल 2 का हो गया क्या अपना गैस स्टेशन तो अभी क्या पेट्रोल नहीं अपने गैस स्टेशन में पैसे नहीं है क्या अपने पे पेट्रोल ऑर्डर करने के भी सो गाइस जैसे कि आप सब लोगों ने आज की वीडियो के लिए अंदर देखा कि आज हमने अपने गैस स्टेशन को अपग्रेड कर लिया और अपने गैस स्टेशन पे पेड भी कर दिया अपने गैस स्टेशन को तो बहुत अच्छा बना दिया है और आज की वीडियो के अंदर हमने अपने गैस स्टेशन के अंदर बहुत सारा सामान भी रख रहा है जैसे हम पहले बस हमने फर्स्ट एपिसोड में अपना गैस स्टेशन बस चालू करा तो साफ सफाई करी थी और आज के और अब हमने अपने गैस स्टेशन के अंदर सामान रख लिया जैसे चीज पेप्सी ये सब ताकि हमारे गैस स्टेशन की बिक्री और ज़्यादा बढ़ जाए और हमने बहुत सारे एडवांसमेंट और टास्क भी बहुत सारे अपने आज के गैस स्टेशन में कंप्लीट कर लिए हैं सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है ना उसे ज़रूर से दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले मिल पाए सो आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग